पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक रही उसके वजह से महाराष्ट्र की राजनीति एक तरीके से बदल चुकी है। इस पूरे उठापटक के बीच में जो सारी कॉन्ट्रोवर्सीज रही उसके केंद्र में कई सारे लोग रहे, लेकिन इतिहास में पहली बार महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका की बहुत ज्यादा चर्चा रही। कभी उन्होंने ऐसा लगता है कि सोच के कुछ चीजें की, कभी लगता है कि किसी आदेश पर ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन आखिरकार पिछले 2.5 साल में जब भी कॉन्ट्रोवर्सी रही उन्होंने कभी भी इस बात पर अपनी बात लोगों के सामने रखने की कोशिश नहीं की। तो जो मैन इन द सेंटर ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी जो महाराष्ट्र में रहे हैं वो भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, उनसे हम आज सीधी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2.5 साल में जो भी महाराष्ट्र में रहा उसमें उनकी भूमिका क्या रही, किस तरीके से उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम को देखा और उनकी अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर क्या है, उनकी भूमिका इस पूरे मामले को लेकर क्या है। कुशल जी, आप सितंबर 2019 में महाराष्ट्र में आए थे और तब लग रहा था कि जो जैसा है वैसा ही होगा। 2014 से 19 तक फडणवीस शिवसेना की सरकार चल रही थी, बीजेपी शिवसेना की चुनाव में कोई ज्यादा उठापटक की गुंजाइश नहीं थी और दोबारा फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे यही बात लग रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्थिति अचानक बदल गई और उसके बाद से लगातार कॉन्ट्रोवर्सीज में रही। आप जब आए तब आपने सोचा था कि आपको इस तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेट में जाना पड़ेगा जहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से विपरीत होगी और आपको उसको फेस करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे 3 साल 4 महीने महाराष्ट्र जैसे एक बड़े प्रदेश में रहने का अवसर मिला और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वास था मेरे में कि मैंने उनके सामने भी कहा है कि मेरी इच्छा न होते हुए मैं आपका सम्मान करता हूं और महाराष्ट्र जैसे संतों के प्रदेश को देवभूमि से जाकर के बिना संतों के देव संतुष्ट भी नहीं होते और इसलिए संतों के भूमि में जितने दिन सेवा करने का मौका मिलेगा अच्छा लगेगा, तो इसलिए सौभाग्य था कि उनके शुभेच्छा से मैं महाराष्ट्र पहुंचा। और पहुंचा तो स्वाभाविक है कि राजनीति कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वहां दुदुनी चार ही होता है, राजनीति में दुदुनी पांच भी होता है, दुदुनी तीन भी होता है। इसलिए जो महाराष्ट्र में हुआ वो केवल अकेले महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, अनेक प्रदेशों में समय समय पर होता है। मैं लंबे समय से राजनीति को देख रहा हूँ, भले ही मैं राजनीति में बहुत देर में आया, मैं प्रत्यक्ष राजनीति में बहुत देर में आया, लेकिन में। तो इसलिए ये कहना कि ये आपने पहले क्या सोचा, पहले सोचा जितना होता है उतना ही हमेशा होता नहीं है और हम जहाँ भी कहीं भी जाते हैं हमारा एक ही सिद्धांत है, होप फॉर द बेस्ट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और इसलिए हम होप फॉर द बेस्ट करते हैं, हम हमेशा आशावादी हैं और इस नाते से महाराष्ट्र गए और जो सेवा हो सके की और आपने एक ही चीज कही कंट्रोवर्सी और आप महाराष्ट्र में जनमत संग्रह कराइए तो मैं सोचता हूँ कि आपको भगत सिंह के चाहने वाले न चाहने वालों से ज्यादा मिलेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि राजभवन आपके समय पे लोगों के लिए खुल गया था, मतलब जितने पब्लिक गैदरिंग्स आपने की होगी शायद ही किसी राज्यपाल ने की होगी, ये तो हम सारे देखते हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में गवर्नर कभी भी इतने कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं रहे। खास करके हमने देखा कि उसकी शुरुआत, मतलब आपके आने के 3 महीने में इसकी शुरुआत हो गई। 2019 में नवंबर महीने में जो जिसे कहते हैं ना तड़के शपथ ग्रहण किया गया, देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार का शपथ ग्रहण हुआ, एक रात में महाराष्ट्र में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो हट गया और ये कमाल कैसे हो गया, उसकी वजह से आपकी भूमिका पर सवाल उठाया गया। देखिए, राजनीति में जब मैं नहीं रहूंगा बहुत से लोग नहीं रहेंगे और जो असली राजनेता है, जो चिंतक है, विचारक है, तो वो सोचेगा कि आखिर एक रात में सब कैसे हुआ। और कभी कभी तो ऐसी चीजें एक पल में होती हैं, तो आपने एक रात की बात कही है, ये समाज जो है एक पल में भूकंप आ जाता है, क्या होता है, किसने कहा कि एक रात में हो गया। ये तो स्वाभाविक है कि भाई हमारे पास कोई बड़े दल का नेता आता है और उसके साथ एक सहयोगी दल कहता है ये सब मेरे उनके दस्तखत है, हस्ताक्षर है और शाही से कहे हुए है
और विश्वसनीय नेता है, कोई छोटा मोटा भी नहीं है। अजीत पवार जी कोई इतने छोटे मोटे नेता नहीं वहां के, है वो हमसे आते हैं, हम कहते हैं हमने कहा ठीक है तुम्हारा बहुमत है तो सिद्ध करो, हमने सिद्ध करने का टाइम दिया। हो सकता है कि वो समय कुछ ज्यादा रहा होगा, बाद में कोर्ट ने कहा कम करो, ठीक है कम करो, ऑल इज गुड, कम कर दिया। बहुमत करने में समर्थन नहीं थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कहते हैं ना छुप छुपा कर शपथ ग्रहण, किसी को पता नहीं था। ये आमतौर पर शपथ ग्रहण होता है तो मीडिया को बुलाया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है। आप ध्यान दीजिए कि ये राष्ट्र राज्यपाल कोई लोगों को बुलाता नहीं है, ये कोई राज्यपाल सारे काम नहीं करता है, ये गवर्नमेंट करती है और जिसको शपथ लेनी होती वो करता है। तो उनको एक सेकेंड, और जो कुछ भी हुआ उस सब में मुझे लगता है कि जिसको मैंने शपथ दिलाई श्रीमान देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने अपना बयान संबंध में ऑलरेडी दे चुका है, और मुझे लगता है कि उस बयान के बाद मैं कहा बीच में आता हूँ। नहीं सर, अभी आप राज्यपाल नहीं है, अभी आप खुलकर बात कर सकते हैं। खुलकर क्यों तो कर रहा हूँ, उसके उस पर ये चल रहा है कि शरद पवार को इसकी जानकारी थी कि नहीं थी। अचानक जब तीन दल आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तब शरद पवार का कहना था कि अगर इस तरीके का शपथ ग्रहण नहीं होता तो हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन नहीं हटता। यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रपति शासन हटे ईफ एंड बट हो सकता है, शरद पवार जैसे इतने बड़े आदमी अगर ईफ एंड बट पर चलते हैं तो मैं कहता हूँ फिर तो उनको हाईकोर्ट में जो लवासा का मामला है उसी पर 10 बार विचार करना चाहिए, उनके बारे में जो हाईकोर्ट ने बोला है। वो इतने बड़े आदमी है, उनका मैं इतना सम्मान करता हूँ, मैं उनको 2-2 बार डिलीट की उपाधि दिला चुका हूँ अपने विश्वविद्यालय में, मेरे हाथ से डिलीट की उपाधि ली है, वो उनका मैं बहुत आदर करता हूँ। तो वो अगर ऐसा बोलते हैं तो पॉलिटिकली बोलते हैं, पॉलिटिकल ही स्क्रिप्ट उसमें करनी थी। नहीं, लेकिन फिर भी कैसा है ना कि उसमें कहा यह जा रहा है कि वो राष्ट्रपति शासन हटने, और सुप्रीम कोर्ट ने आपने सही कहा कि आपने जो समय सीमा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये कम करनी चाहिए, कर दे। आप उनको मौका दे रहे हैं विधायकों को खरीद फरोख करने का, इस तरीके का उनका ये कहना ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि राज्यपाल के नाते आप पर यह दबाव था कि आपको इस तरीके से समय देना चाहिए, ये इस तरीके से करना चाहिए? आप अगर भगत सिंह कोश्यारी के तौर पर सोचते तो नहीं करते। देखिए मेरे पास ऐसा कोई दबाव नहीं था, पर कोई दल शपथ लेता है वो कहता हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हमें करना है, तो हमने समय दे दिया। समय पे लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा जल्दी करो, हमने जल्दी कर दिया। हम कहा बीच में आते हैं सुनो, फिर लोग बोलते रात पूरा आपका मीडिया रात रात बोलता रहा, सुबह 8 बजे शपथ हो रही है, और आज तक भी दुनिया में आप लोगों ने फैला रखा कि साहब रात में शपथ हुई। नहीं, शपथ तो सुबह आप देखिए पहले रात का कालखंड रहा कि जैसे कोई एक लेटर लेके आता है, क्योंकि हम लोग सब लोग थे जहां पर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की मीटिंग चल रही थी, वहां से अजीत पवार निकलते हैं 9 बजे के करीब देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंच जाते हैं, और रात भर में राष्ट्रपति शासन में जाता है। साहिल जी, आपने तो एफिशिएंसी के लिए मुझे बधाई देनी चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए कि आपने इतनी शीघ्रता से सब काम किए। आप लोग तो उल्टा आलोचना करते रहते हो, मेरी दिक्कत ये थी कि मैं राज्यपाल था, ये सब बात आपसे बोल नहीं सकता था। सर, एफिशिएंसी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेकर नहीं होनी चाहिए, एफिशिएंसी सब चीजों में होनी चाहिए। अभी एवरीवेयर मैंने हर जगह एफिशिएंसी दिखा है, मैंने जितने मैंने काम किए हैं, अगर आपने एफिशिएंटली काम नहीं किए हैं तो बता दो। ठीक है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। उसके बाद सरकार बन गई। आमतौर पर हमने देखा है कि ये सवाल तो हमने कई लोगों से पूछा है कि जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर राज्यपाल और विपक्ष की सरकार के बीच में तलवारें खींची रहती है, हमने बंगाल में देखा, ठीक है महाराष्ट्र में भी हमने देखा। हो सकता है कि आप तैयारी के साथ नहीं आए हो इसके लिए, लेकिन आप खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपने ऐसा कोई पद नहीं है जिस पर काम नहीं किया, आप लोकसभा के संसद सदन में रह चुके हैं, राज्यसभा में रह चुके हैं, विधान परिषद में रह चुके हैं, विधानसभा में रह चुके हैं। आपने जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को खत लिखा था जब महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल बंद थे, आपने कहा था कि आप क्या सेक्युलर हो गए, आपने क्या हिंदुत्ववाद छोड़ दिया है, क्या कोई भी राज्यपाल इस तरीके से राजनीतिक तरीके से खत लिख सकता है क्या? उस पर काफी सवाल उठाए गए। उस पर मैंने पहले बता दिया कि उस पर गृह मंत्री जी का बयान आ गया कि हमको संयम बरतना चाहिए, बयान ऊपर से आ चुका है। तो मुझे लगता है कि जब गृह मंत्री ने कह दिया एक बयान, उसके बाद हमारा बोलने का तो कुछ नहीं जाता। कहा जाता है कि खत आपका था लेकिन शब्द किसी और के थे, जो भी है। नहीं, शब्द किसी के नथे, ये भगत सिंह जो आपने बोला वो आपने ही बोला, जो मैंने बोला होगा किसी कारण से बोला होगा तो वो हो सकता है उस समय के लिए समीचीन न हो, और इसलिए बजाय मेरे स्वयं गृह मंत्री का बयान आ गया कि थोड़ा संयम रखना चाहिए। ओके,
ठीक है नहीं, इसीलिए तो बार बार आरोप लगे ना कि ये राज्यपाल नहीं भाज्यपाल है, ये राजभवन नहीं भाजपा भवन हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो चुका है। इस तरीके के आरोप महाराष्ट्र में खास करके कभी भी राज्यपाल, आप तो उत्तर प्रदेश, पहले तो यूनाइटेड उत्तर प्रदेश से आते थे, आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार की उठापटक हुई थी तब राज्यपाल की भूमिका पर आप ही लोगों ने काफी सवाल उठाए थे। आज की स्थिति में आप पर भी उसी तरीके से आरोप लगे क्योंकि इस तरीके का लेटर लिखना या सरकारी अधिकारियों की मीटिंग लेना, शरद पवार ने आपके बारे में शिकायत कर दी थी प्रधानमंत्री। पहले बताइए जी कि राज्यपाल जी क्या सरकारी अधिकार से बातचीत नहीं कर सकता? क्या राज्यपाल जहां जाते हैं सरकारी अधिकारी उनका स्वागत नहीं करते? क्या प्रोटोकॉल में सब आता नहीं है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट की कोई विशेष बैठक है, उन्होंने कहा कि नहीं करनी चाहिए, और ठीक है, वेल एंड गुड, उनके मंत्री चाहते थे हम सीखेंगे, आप करें तो अच्छी है, उनको नहीं लगा, अच्छा हमने कहा नहीं, कहा एक हमने छोड़ दिया मीटिंग का लेना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि लगातार मेरे पास अधिकारी आते, जिले में जाते थे, चार छह अधिकारी आते थे, उनको बातें करता था, मेरे बोलते साहब का अनुभव है और अब यहाँ है, बातें हैं, लोग मेरे पास इतने आते हैं, अपनी समस्याएं बोलते हैं। अब आप बताएं, जब मेरे पास रोज 200-500 लोग आ रहे हैं, मिलने आते हैं, अपनी बातें बोलते हैं, क्या मुझे लोगों की बात सुनने के बजाय केवल जो कोई नेता कह रहे हैं किसी दल के या किसी भी दल के, चाहे शासकीय हो चाहे विरोधी दल के, उनकी बात को सुनना चाहिए या जनता जनार्दन की बात सुननी चाहिए? नहीं, लेकिन आपके आपके सहाध्याय मतलब सदन में आपके साथ जो रहे शरद पवार हो या संजय राउत हो या कई सारे विपक्ष के जो सांसद हैं, वो आपके साथ में उन्होंने काम किया हुआ है, सदन में आपके साथ में काम किया हुआ है, उनका ये कहना था कि उन पर वो सीधा आप पर आरोप लगाते थे कि भगत सिंह कोश्यारी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को राजभवन से बैठकर चला रहे हैं। जो भी महाविकास आघाड़ी सरकार पर या उद्धव ठाकरे पर निशाना साधता है, कंगना रानावत हो या कोई भी हो, उन्हें राजभवन में बुलाया जाता है, स्वागत किया जाता है, उस तरीके से उनको आप ध्यान रखें कि राजभवन में कोई सरकार के पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले, राजभवन हर किसी का, राजभवन कोई सरकार का खरीदा हुआ है क्या? वो किसी सरकार का राजभवन नौकर है क्या? राजभवन को सबको देखना होता है, इसलिए कोई भी आता है उसके लिए हम बोलते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन क्या हमने कोई सरकार की विरोध तो किया नहीं, हमने किसी सरकार के खिलाफ तो एक पत्र के बारे में आपने जिक्र किया, मैंने कहा कि ठीक है उसके बारे में बयान आ चुका है बस, पर आपको खेद है कि वैसा लेटर लिखने का, इस तरीके से लेटर लिखे, जहां एक बड़े व्यक्ति ने कह दिया संयम बरतना चाहिए, खत्म हो गई बात, आगे बोलो। क्या आप किसी ब्रीफ पर काम कर रहे थे, आप पर कोई दबाव था कि बीजेपी, आप इतने सालों से बीजेपी से लड़े? साहिल जी, दबाव की तो बात ही मत बोलो, भगत सिंह पर कोई दबाव होता है क्या? कभी दबाव देखा आपने मेरे ऊपर? कहां से दबाव होता है, किसका दबाव होता है? वही चीज अब जो सरकार का उठापटक हुआ, अभी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में आ चुकी है, मुझे याद है कि उससे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार में स्पीकर का चयन करना था और हाईकोर्ट में हालांकि बीजेपी के विधायक गए हुए थे कि स्पीकर का चयन नहीं होना चाहिए क्योंकि स्पीकर के लिए जो नियम बनाए हुए हैं वो सरकार ने चेंज किए हुए हैं विधानसभा में, आपने ये कारण, और हाईकोर्ट में उनको फटकार लगाई कि ये सब गलत है, स्पीकर का चयन होना चाहिए, राज्यपाल स्पीकर का चयन का डेट दे दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने सिर्फ मेंशन किया था, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसके लिए स्पीकर का चयन नहीं हो सकता। जैसे ही शिंदे फडणवीस सरकार आ गई उसके बाद तुरंत उनका शपथ ग्रहण हुआ और तुरंत आपने कहा कि सबसे पहले स्पीकर का चुनाव होना चाहिए, ठीक है। जो सवाल यहां पर यह उठता है कि आपका रवैया महाविकास आघाड़ी के बारे में और बीजेपी और शिंदे के बारे में एक बायस रवैया था, आपको जब सूट हुआ तब आपने ब्रीफ, आपने जो कहा ना कि तुरंत फैसला लेने वाला, और जब आपको सूट नहीं हो रहा था तब आपने फैसला लेने से इनकार कर दिया। नहीं देखिए, आपको पता है नहीं, आप मेरे एक पत्र की बात बोल रहे थे जी, पत्रों की बात बोलू आपको मैं जी, है आप आगे आएंगे उस पत्र के विषय पर बारे में बोलूंगा जी। जब मुझे कहा गया कि मैंने जब कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का चयन करो संविधान के हिसाब से, महाराष्ट्र के असेंबली रूल के हिसाब से, तो उन्होंने कहा अभी हम तैयार नहीं है, ओके वेल एंड गुड, ठीक। अब आपको जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, आपने अपनी आपकी परिस्थिति के अनुकूल हो गए हो, आपने कहा तो आपने सारा अपना विधेयक ही चेंज कर दिया है, तो बट हाईकोर्ट ने एक मिनट आपने विधेयक पर चेंज कर दिया, सब मुख्यमंत्री करेगा ये फलां करेगा, आप ये बताओ कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के अंडर होता है, ध्यान रखेगा,
तो हाउ कैन ही प्रपोज कि भाई हाँ ये हम ये कराते हैं, एक ये काम सुनिए, काम ये जी, पहली बात जी। दूसरी बात, जो पत्र उन्होंने लिखा वो क्या किसी मुख्यमंत्री को, किसी राज्यपाल को, जो एक गरिमामय पत्र है उससे हमारी एक बात को तो हमने पत्र ऐसा लिखा बोल दिया, लिखना चाहिए था कि आप इसको बिफोर 6 PM इसको हमको आदेश करिए, अनुमति दे दीजिए, स्वीकार कर लीजिए। क्या कहीं राष्ट्रपति राज्यपाल को ऐसा लिखा जाता है कि दिस टाइम ये कहाँ लिखा है ऐसा, इतने पीरियड के अंदर करो, 12 मंथ में एकदम और बोलूंगा, ठीक है नहीं, तो कहाँ लिखा है ऐसा। और राज्यसभा को समन करने का, विधानसभा को समन करने का ये, और प्रोरोग करने का ये अधिकार राज्यपाल का है, प्रिविलेज है उसका, आप लिखेगा तब देखेगा तब मुझे बताएगा, खाली बाहर बोल रहे तो ठीक है, उनकी जगह एक जगह उनकी जगह दूसरी पार्टी वाले वो भी बोलते हैं, परंतु नियम क्या है कि प्रोरोग करना, वही नियमों के आधार पर नए स्पीकर का चयन हुआ है, वही नियमों के आधार पर नए स्पीकर का चयन हुआ है ना? और पहले आपने बोल दिया कि नहीं स्पीकर का चयन नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, ठीक है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था फिर भी चयन किया गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट का मैंने कहा विषय सुप्रीम कोर्ट का था, विषय नहीं है, विषय ये कि आप जो भाषा लिख रहे हैं, कारण तो आपने सुप्रीम कोर्ट का ही दिया था, नहीं तब सुप्रीम कोर्ट का कारण दिया होगा, लेकिन जो असली कारण है वो कारण ये है कि आप वो विधेयक ला ही नहीं सकते थे, आप मुख्यमंत्री को अधिकार दे ही नहीं सकते हैं। सर हाईकोर्ट ने मान लिया था ना, नहीं, लेकिन नहीं, किसी नहीं, हाईकोर्ट ने मान लिया था, आपको बता रहा हूँ ना मैं, अगर मान लिया होता तो कर लेते कि नहीं कर लेते, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि वो नियमों के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन उसी नियमों के अनुसार तो नए स्पीकर का चयन हुआ, नया स्पीकर का जब चयन हुआ तो जिस ढंग से लेटर लिखा जाता है, जिस ढंग से राज्यपाल को लिखा जाता है, राज्यपाल से अनुरोध किया जाता है कि हमें ये करने की अनुमति दी जाए, वो विधिवत एक कर्सी के नाते जिस ढंग से वो एक प्रोटोकॉल होता है उसके नाते था और उसके नाते हो गया। नहीं सर, संबंध तो बिगड़ चुके थे ना, अभी देखिए जब नई सरकार बन रही थी तब आपको किसी निर्दलीय विधायक ने आकर आपके पास चिट्ठी दी, बच्चू कड़ू और वो सारे जो विधायक थे उन्होंने, कि हमारा अब उद्धव ठाकरे सरकार से मन उब चुका है, आपने तुरंत उद्धव ठाकरे को कहा कि आप अपना विश्वास मत हासिल करिए, उसके लिए आप अपने विधानसभा का अधिवेशन बुला लिया। सवाल यह उठ रहा है कि क्या राज्यपाल को मुख्यमंत्री से बात किए बिना, और असेंबली का सेशन तो होने वाला था महाराष्ट्र में, आपको पता है कि जो विंटर अपना रेनी सीजन का सेशन होता है वो आता है तो आज की समय में राज्यपाल को बात करना है जी। अगर मुख्यमंत्री के पास विश्वास मत के लायक पत्र होते क्या माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर के नहीं मिल सकते थे, नहीं कह सकते थे कि भाई मेरा बहुमत है आप कृपा करके ऐसा मत करिए, कुछ मत करिए। जब वही मुद्दे ही सुस्त और गवाह सुस्त क्यों बन रहे हैं आप, ज्यादा सुस्त मुद्दे ही सुस्त है, वो कुछ बोलता नहीं है, इसके माने जब दूसरा पक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा है तो मेरे पास आ रहा है, वो हमने काम कर दिया। तो जो महाराष्ट्र में हुआ वो सही हुआ आपका मानना है? नहीं, देखिए हमने जो कुछ काम किया है उसको पूर्ण दृष्टि से सही समझते हुए किया है, और कालांतर में आप कहेंगे कि हाँ ये सही था। लेकिन फिर भी सवाल तो ये उठता रहेगा ना कि जब तक शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी तब तक आपका रवैया कुछ और था, खास करके जैसे विधान परिषद में 12 विधायकों का चयन करना है, आपने उस फाइल पर आखिर तक सिग्नेचर नहीं किए, कारण नहीं आपने बताया कि किस वजह से हम नहीं कर रहे हैं। मैंने उनके डेलीगेशन आते रहे जी, ठीक है जी, उनके डेलीगेशन आए, मैंने उनसे कहा जी आप पहले इस पत्र को देखो, 5 पेज का पत्र है, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, 5 पेज के पत्र में आप राज्यपाल को धमकी दे रहे हैं, बता रहे हैं ये कानून, ये कानून, और अंत में लिख रहे हैं कि इसको 15 डेज और अर्लीस्ट, ये कहाँ लिखा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को ये लिखेगा कि साहब मुझे इतने पीरियड के अंदर करो, कहाँ पर लिखा है संविधान में, कहाँ पर लिखा किसी विधान में, कहाँ पर लिखा विधानसभा के किसी उसमें, आप पत्र किसी दिन देखोगे, बाद में खुलेगा तब आपको पता लगेगा व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट, पत्र करनी होगा तो चार तो मैं उसी दिन करने वाला था, नेक्स्ट डे आप ऐसी भद्दी पत्र लिखते हो सर, निश्चित लेटर Nobody would like to see even to go through that letter. लेकिन आपके संबंध अगर अच्छे होते तो शायद इस तरीके, मेरे संबंध तो बहुत अच्छे थे, पर उनके सलाहकार कौन थे, उनके यही विधायक सभा के मुझसे कहते थे आप बचाइए साहब, बचाइए हमको,
ये तो उद्धव जी तो सोनी मामा के चक्कर में फंस गए, पता नहीं कौन था सोनी मामा उनका। तो आप ये शिवसेना आपका कहना है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है वो आपके पास आके एकनाथ शिंदे के साथ थे, तो आपको आके कहते थे कि उद्धव ठाकरे गलत कर रहे हैं? मुझे जो है तो खुद ही लोग बोलते थे, तो आप समझे कि उद्धव जी का थोड़ा विवेक से काम करते हैं। उनके खुद के विधायक आके आपको बोलते थे, आपका कहना है? बोलते थे ना, उद्धव तो संत आदमी है, उसे कहां राजनीति में बेचारा फंस गया। आप जानते हैं कि क्या किस ढंग से फंस गए, चिट्ठी लिख रहे हैं 5 पेज की, इसलिए बोल रहा हूं आप, और अंत में लिख रहे हैं कि विदिन 15 डेज और दे अर्लेस्ट। अगर आदमी सज्जन नहीं होता, सीधा नहीं होता, राजनेता होता है, शरद पवार की जरह से ट्रिक जानता होता, अनुभव होता है, ऐसा लिखता क्या? मेरी मजबूरी होती है, अगर मैं 4 लाइन खुद शरद पवार ने प्रधानमंत्री से आपकी शिकायत की है कि आपका रवैया एज अ राज्यपाल शरद पवार विरोध में है, वो मेरी शिकायत क्या करेंगे, हो सकता है कुछ और भी करें, उनका करना क्या होता है, शिकायत तो वहां हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उसको पढ़ाना लवासा के बारे में, ठीक है, हमारी शिकायत से क्या करना है। नई सरकार आने के बाद भी आप कंट्रोवर्सी से आपका पल्ला नहीं छूट पाया, क्योंकि वो सबसे कहते हैं ना कि एक काला पीरियड होगा आपके आपके पॉलिटिकल करियर में। छत्रपति शिवाजी महाराज, यहां पर उनकी तस्वीर आज यहां पर यह रखा हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आपके बयान हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में रहे और विपक्ष ने तो वो मुद्दा उठा ही लिया। वो बयानों में मैं जाना नहीं चाहता, आपने उस पर जब राज्यपाल थे तब भी आपने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, लेकिन एक के बाद एक आपकी जो स्पीच थे, जैसे मुंबई में आपने एक स्पीच दिया था और कहा था कि मुंबई से अगर गुजराती और राजस्थानी समाज के लोग चले जाएंगे तो मुंबई का ये खत्म हो जाएगा, उस पर भी आपने भूमिका रखी थी। सवाल मेरा यह है कि उसके बाद तब वक्त ऐसा आया कि एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी भगत सिंह कोश्यारी के पीछे खड़ी रहती थी, अगर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कांग्रेस एनसीपी शिवसेना लामबंद हो रही है तो बीजेपी आपके साथ में खड़ी होती थी। ये वाली कॉन्ट्रोवर्सीज में एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं का बयान आना शुरू हो गया। आशीष शेलार मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आपके बयानों से वो इत्तेफाक नहीं रखते। उदयन राजे भोसले भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा कि राज्यपाल को यहां से निकाल देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि जो उदयन राजे भोसले उनके मन में जो बात है उनसे हम इत्तेफाक रखते हैं और वो बात हमने दिल्ली पहुंचाई है करके। ऐसा लग रहा था कि अब आपका इस्तेमाल खत्म हो गया, अब बीजेपी आपके वजह से बीजेपी तकलीफ में आ रही है, तो बीजेपी के नेता आपके खिलाफ उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि आपने मेरे एक एक बयान को, मैंने सारे महाराष्ट्र के बुजुर्गों से पूछा, देश भर के मेरे आईएएस आईपीएस आते पड़े हुए, मैंने पूछा जैसे मैंने बचपन में पढ़ा था कि समर्थ रामदास उनके गुरु थे, आपने भी पढ़ा? सबने कहा हमने ही पढ़ा। जो पहले दिन बयान आया तो मैंने अगले दिन बयान दे दिया कि हमारे केवल महाराष्ट्र के नहीं, हमारे राष्ट्र के हमारे जो है प्रेरणा स्रोत है ना, और यदि किसी का कोई कहता है कि ये सही नहीं है तो मैंने कहा मेरा ज्ञान वर्धन करा दे, क्या दिक्कत है, कोई मैं परफेक्ट हूँ क्या? मैंने बचपन में वही पढ़ा, सारे लोगों ने वही पढ़ा। अब मान लिया महाराष्ट्र में जाकर के कोई मेरे बयान दे देगा तो मुझे पहले बता देते कि साहब वो गुरु नहीं तो बता देता, वो क्या कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते, वेल एंड गुड, मैंने कुन पर उनको थोपा तो नहीं अपनी बात को, मैंने कहा आपने मेरा ज्ञान बढ़ा दिया है, धन्यवाद है। तो इसलिए इस पर तो अपोजिशन ने तो एक दान तो अपोजिशन ने उनसे कुछ बोलना ही बोलना है, ठीक है, है? और जहां तक आपने कहा कि उसको गुजराती है, और मैंने पहले अपोलोजाइज किया तुरंत ही, दैट वाज द ओनली मैर स्टेटमेंट जो अतिरेक में हो गया। उसी समय मैंने कहा कि नहीं है, क्योंकि मैं उसका अगला पार्ट मुझे और बोलना था, मुझे बोल नहीं पाया मैं जल्दी जल्दी में, इसलिए इमिडिएटली अपोलोजाइज। लेकिन एक दूसरी बात, और जहां तक जो है कि भाई पुराने नेता ये फलाना नेता, मैंने उसमें महात्मा गांधी जी का नाम लिया, मैंने उसमें नेहरू जी का नाम लिया, लोग उनको आइकन मानते थे, मैंने उसमें नेताजी का लोग आइकन मानते थे, मैंने शिवाजी का नाम लिया आइकन मानते थे। अगर आप ये कहते कि पुराने तो भी आपके नए भी अम्बेडकर से लेकर के ये जो बैठे हैं इन तक जो है नहीं, आप इनको ले सकते हैं। अब मैं ये कहूँ कि तुम हमेशा ही विजय हजारे और उसको मानते रहो, लाला अमरनाथ को, तो वो तो कहेंगे आज भी है कि नहीं कोई तुम्हारे पास, खाली राम जी का गुण गाओगे? खाली उनका गुण तो गाना ही गाना है, शिवाजी का गुण तो गाना ही गाना है, राणा प्रताप का गुण तो गाना ही गाना है, पर व्हाट इज दैट प्रेजेंट, उन्हें तुम्हारे नमूना आज, बात सुनो पहले पूरी। तो एक जो है प्रेजेंट के हिसाब से
हम लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए नई पीढ़ी को। सर आपकी बात सही है तो फिर डन नहीं आपका कॉन्टेक्स्ट सही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सवाल यह है कि विपक्ष ने उस मुद्दे को उठाया वहां तक ठीक है, आपके पार्टी के खुद के नेताओं ने जो अब तक आपको सपोर्ट कर रहे थे देखो वो खुद उन्होंने बोला मैं राज्यपाल से निकालना, मैं राज्यपाल के रूप में आने से पहले बीजेपी से इस्तीफा दे चुका हूं और आज यहां आया हूं, आज भी आप मैंने कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रखी है ठीक है, तो इसलिए आपकी पार्टी क्यों कहते हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी के नेताओं ने आपको सपोर्ट नहीं किया, मैं अलग तरीके से आप चंद्रकांत दादा पाटिल का बयान पढ़ लिया होगा, बाहुबली का बयान पढ़ लिया होगा अपने, देवेंद्र फडणवीस ने 10 बार कहा है, आपके टीवी पर भी कहा है, सब पर कहा है, हम तो उदयन राजे भोसले का बयान भी देख रहे हैं। आखिर हर एक पार्टी में अगर एकाध आदमी अपने इससे बोलता है तो क्या आप ये सोचते हैं कि सब ऑथराइज्ड सभी के बोलते हैं? आपको नहीं लगता कि उसके वजह से उनको लग रहा था कि अब हमारे लिए, क्योंकि भाजपा के साथ भगत सिंह कोश्यारी का नाम जुड़ चुका है, अब ऐसे में आपके वजह से उनको दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, इसके लिए बेटर है कि आप यहां से जाएं। मेरी बात सुनो जी, न तो कोई मुझे वहां से भेज रहा था, न मुझे किसी ने वहां से भेजना था ठीक है नहीं, और मैंने अगर आप जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आए थे जी हमारे राजभवन का, तब भी कहा था कि मैं इच्छुक नहीं था, ये आपका स्नेह और प्रेम और विश्वास था कि इसके लिए मैं महाराष्ट्र आया हूँ, तो इसलिए महाराष्ट्र जाने न जाने वो तो बात ही अलग है। अब एक दो ने कोई बयान दिया ठीक है, उनका व्यक्तिगत मत है, और उसको भाजपा मेरा समर्थन करे मैं ये मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि कोई किसी के समर्थन के लिए थोड़ी मैं अपना काम करता हूँ, कहीं पर मेरी गलती होती है तो किसी के नुकसान के लिए थोड़ी करता हूँ। ठीक है ना, आपने जानबूझकर नहीं किया होगा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा सोचना शुरू किया कि आपके बयान उनको ये आप उनसे वो एम्बेरसमेंट से बचने के लिए उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा निकाला जी। ये बीजेपी के लोगों से पूछो, मेरे से मत पूछो, अभी आपका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। नहीं, बीजेपी माने बीजेपी ये वहां के लोगों को आपको लग सकता है उनसे पूछो, उससे क्यों पूछ रहे, मुझे तो कुछ लगता ही नहीं। ठीक है, मेरा बयान सही था जी, मैं ये मानता हूं कि मेरे बयान में कहीं कोई कमी नहीं थी। सर 3 साल आपने महाराष्ट्र में बिताए एज अ गवर्नर आपने बिताए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप जब आए तब लग नहीं रहा था कि राजनीतिक स्थिति कुछ खास बदलेगी, क्योंकि चुनाव में बीजेपी शिवसेना जीतेगी ये तो दिख रहा था, सारे एग्जिट पोल बता रहे थे, सारे ओपिनियन पोल बता रहे थे, और उसी तरीके से हुआ, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई। मुझे सवाल ये पूछना है कि क्या ये जरूरी है कि हर जगह पे जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है जिस राज्य में, वहां पर राज्यपाल और वहां की राज्य सरकार का संघर्षमय पूरा कालखंड रहे? आपने भी उस संघर्ष को फेस किया, आपने अकेले पर वो फेस किया, क्योंकि आप उस चेयर में बैठे हुए थे राजभवन में, जो भी आरोप लग रहे थे उससे आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा उससे लेना देना नहीं, क्योंकि आप उस चेयर में बैठे हुए थे। ये माहौल कहां से पैदा हुआ है? क्या जो कांग्रेस के समय में हुआ करता था क्या वो इस समय में भी होना चाहिए? जगदीप धनखड़ अगर वहां पर राज्यपाल है तो उनका ममता बैनर्जी के साथ संघर्ष होना ही चाहिए? आप यहां पर राज्यपाल है और आपके बीजेपी के खिलाफ सरकार है, तो वहां पर संघर्ष होना चाहिए? कहां क्या हो रहा है, क्यों ऐसा संघर्ष होता है? अगर आप इस संघर्ष के बजाय आप ये कहते कि देखो भगत सिंह तुम पहले ऐसे राज्यपाल हो, आज तक शायद शिवनेरी सब लोग हेलीकॉप्टर से तो गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि पूर्व मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चलो वो भी उसमें अगर कम थी वो पैदल गए है, और भगत सिंह कोश्यारी 79 की ईयर में 78 की ईयर में शिवनेरी पैदल जा रहा है, सिंहदुर्ग पैदल जा रहा है, प्रतापगढ़ पैदल जा रहा है, रायगढ़ पैदल जा रहा है, तो किस लिए गया होगा? कि कुछ छत्रपति शिवाजी पर श्रद्धा होगी तभी तो गया होगा ना, उनके बारे में जानता होगा तभी तो गया होगा ना है। कोरोना काल में भी भगत सिंह कोश्यारी 62 के बाद सिनेमा हॉल में जाता है और तानाजी पिक्चर को देखता है, कुछ श्रद्धा होगी तभी तो गया होगा ना। मैं पूछो, आप पूछ लीजिए पिछले 50 साल में कितने लोग हैं जो जीजाबाई के उसमें गए हों, मातृभूमि में गए हों जहां उनका जन्म हुआ है, वो कितने लोग गए हैं? वो भी बाय रोड, नॉट बाय हेलीकॉप्टर। वो तो एक, ही मिनट, एक मिनट कि राजभवन में जितने प्रोग्राम नहीं, पर पिछले 3 साल में हुए, आप लोग केवल कंट्रोवर्सी की बात बोलते हो सर, क्यों नहीं बोलते? एक मिनट, आप इतने आज तक का इतना बड़ा सम्मान, इतना आपका चैनल है जी, माने आप ये आपने कहीं भी नहीं कहा कि आपने ये गए गए, आप ये गए ये गए गए, आपने के बोला ही नहीं। नहीं, मैंने कहा ना कि आप आज तक जितने राज्यपाल हमने देखे हैं,
राजभवन में इतने सारे प्रोग्राम, पब्लिक फंक्शंस, लोगों का मिलना जुलना, ओपन जिसे कहते हैं कि कोई भी आके आपसे मिल सकता है, ये बहुत कम बार हमने देखा हुआ है। लेकिन आमतौर पर राजभवन ये एक सिक्लूडेड जगह हुआ करती थी जहां पर राज्यपाल बैठते हैं और बड़ा ही प्रोटोकॉल के तहत सारी काम चलता है। लेकिन चूंकि एक अलग स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हुई, उसके वजह से आप हमेशा चर्चा में रहे, ये बात भी तो हमेशा देखनी पड़ेगी। मैंने कहा आपको ना जी कि, और मेरा सवाल उस पर यह है कि राज्यपाल और राज्य सरकार का संघर्ष क्या ये एक नॉर्म बन चुका है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है उस राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकार का संघर्ष बना रहेगा? तमिलनाडु में हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में हमने देखा, बंगाल में हम देख रहे हैं, झारखंड में अब जहां से बहस आए हुए हैं वहां पर भी वो संघर्ष देखा गया। अब ये तो आपके अध्ययन का विषय है और मुझे लगता है आप उस संघर्ष से गुजरे हैं, इसके लिए आपको जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, फिलोसफर्स हैं, राजनीतिक विचारों के बड़े कॉलोनिस्ट हैं, ये उन पर उनसे चर्चा करिए और उनके माध्यम से अगर आप इस संघर्ष न हो आगे इस प्रकार की कोई अच्छी चीज चाहते हैं कोई अच्छी चीज आप निकाल सकते हैं तो मैं आज तक क्या कल तक भी आपका सम्मान करूंगा और जन्म भर तक सम्मान करूंगा। तो यह मेरे ऊपर क्यों छोड़ो? अब कोई खुद ही सुनिए, जब कोई खुद ही मैंने बोल दिया, आपको पता है जब ये अघाड़ी ने कहा कि हमारा बहुमत हो गया है, तो मैंने कहा ठीक है जरा पत्र लाओ। बेचारा, उसको मैं इतना प्यार करता हूँ, आदित्य को आज भी प्यार करता हूँ अपने बच्चे जैसा, ठीक है नहीं? वो बेचारा करता रहा फोन, दिल्ली से कोई आया ही नहीं उसे। मैंने कहा यू कैन राइटिंग टू मी, ऊपर से आपके पास आ गया, वैसे बोले जा रहे, बेचारे निराश होकर बाहर जाना पड़ा, कितना बुरा लगा होगा मुझे, मेरा बच्चा जैसा है अच्छा लगा होगा क्या? और जब उन्होंने तय कर लिया कि हम करते हैं, मैंने कहा ओके आइए। मैंने कहा जो तुम्हारा दूल्हा कहाँ है जिसको तुम मुख्यमंत्री बनाते हो? आपने कभी जाना क्या इस विषय को कि दूल्हा आ ही नहीं रहा और शादी हो रही है? क्या आज भी आपको सुनो मेरी बात, उद्धव ठाकरे मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो जी, आ ही नहीं रहा है, क्या उचित है, क्या सम्मान है क्या? ये ऐसे कोई आई नहीं रहा, कल को कहते कि नहीं मैं तो तैयार नहीं हूं, देन बड़े लोगों ने समझाया, समझ में आ गया प्रफुल्ल पटेल से। मैंने कहा ये उचित है क्या, आप तो इतने सीनियर आदमी हो, गलत हो रहा है, लाना चाहिए उनको यहां, अब हम नहीं आएंगे। अरे भाई, मैंने कहा कम से कम पत्र तो लिख करके दे दो, मैं स्वीकार करता हूं। पता है 3 घंटे लगे उसको लिखवाने में, पूछ लो शरद पवार से, भुजबल से, सबसे पूछ लो। वो तो बीजेपी से बात कर रहे थे भैया, आपको पता था उसके बारे में? I don't know that, मेरा वही काम नहीं है, ये मेरी बात काम मेरी विषय मेरे समझ होगी कौन किससे क्या कर रहा था। परंतु ये कौन सा तरीका है? क्योंकि आप उस दिन मैं बोल नहीं सकता, आज आप इसलिए बोल रहा हूं, पूछ लो सबसे। अंत में सबके कहने से शरद पवार को उनका तब जाके लेकर के रात के 11 बजे मेरे पास पहुंचाया। तो जब मैंने कहा कि वो व्यक्ति इस पद के लिए नहीं बल्कि लोगों के मार्गदर्शन के लिए था, उनको मुझसे बार बार कहते रहे कि शिव सैनिक को बैठाने के लिए मेरे बड़ा साहब का आदेश था, अब वो शिव सैनिक के को बैठाने के बजाय शिव सेनापति को बैठ गया, बड़ा साहब का तो सपना खत्म हो गया। तो इसलिए क्या है कि वो चक्कर में फंस गया। मैंने फिर आपको कहा है आज भी आपको बुरा लग रहा है जो उद्धव ठाकरे और आदित्य के साथ? वो मतलब मुझे इसलिए कि कह रहे कि इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लग रहा है ऐसा ना। अब वो तो बोलेंगे, देखो ये तो सामान्य रीत है, लेकिन मेरा कहना यह है जो आपको बोल रहा हूँ कि जब आदमी फंस जाता है, ठीक है मैंने तो जहां एक बार थोड़ा गलत हो गया बोल दिया कि यार सॉरी फॉर दैट, मुझे कभी एतराज नहीं होता है, मैं मनुष्य हूं, 90 काम अच्छा करोगे हो सकता है 5 काम गलत भी हो जाए, 90 बात अच्छी बोलोगे 5 गलत भी हो सकती है, एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं करते गलत होता है तो। पर अगर आदमी चीज ही नहीं समझे, उसका दोष दूसरे पर ही डाल देगा, तो दूसरे पर सिर पर सीकरा फोड़ने से तो काम नहीं चलेगा। चलिए, अभी आप राजनीति से पूरा बाहर रहेंगे जी, अब बहुत हो चुकी राजनीति, आप ये बताओ राजनीति से बाहर है कि आप राजनीति के अंदर है? आप तो राजनीति, आप बताओ ना सर, हम तो बाहर से देखने वाले लोग हैं, हम तो पत्रकार हैं, हम कहां राजनीति? फिर वही बात है, इस देश में प्रजातंत्र में जो भी वोटर है, जो भी मतदाता है, हर मतदाता जब बटन दबाता है तो किसी न किसी राजनीतिक दल के बटन दबाता कि नहीं दबाता है जी, ठीक है जी। तो कोई खुलेआम राजनीति करता है, कोई पार्शली राजनीति करता है और कोई
मौका आने पर कि भाई ठीक है समाज के लिए ये करना चाहिए समाज के लिए। लेकिन आप बीजेपी की राजनीति नहीं करेंगे? तो मैंने बोला ना आपको, इसलिए मैंने कहा कि भाई अच्छा हो कि मैं अपना बहुत सी सोशल वर्क है, मैं पहले से एजुकेशनल फील्ड में काम करता था, और भी काम करता था, तब भी जनसंघ बीजेपी का सहयोग करता था, तब भी उनका जहां सबसे जरूरत पड़ती थी करता था राष्ट्रीय विचारधारों का, इसलिए तो बीजेपी में जब मुझसे कहा जाओ तो हम बीजेपी में आ गया संघ की जिम्मेदारी छोड़ के। लेकिन अभी आप बीजेपी में नहीं है। लेकिन अभी आज अभी आप माने भाई एक सदस्य होना अलग चीज है, कुछ लोग सदस्य होकर बीजेपी के बनते हैं और कुछ लोग बिना सदस्य हुए भी बीजेपी के प्रति शायद सदस्य से भी ज्यादा काम करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं देश के अंदर। पार्टी उन्हीं से चलती है, कोई पार्टी बीजेपी हो दूसरी हो दूसरी पार्टी भी सही, जो सदस्य नहीं होते हैं और उन वो जो शुभचिंतक होते हैं काम करते हैं अच्छे काम करते हैं जिनके कामों से लोग प्रभावित होते हैं उसका असर पड़ता है, उसके कारण से राजनीति को भी लाभ होता है किसी पार्टी को अगर अच्छे काम करते हैं तो। ऐसे बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, आपको लगता नहीं मुझे कुछ और अच्छे काम करने चाहिए, केवल खाली वोटी मांगनी चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल करने चाहिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगला आपका जो काम होगा वो राजनीति से परे, आपने जैसे कहा कि सोशल वर्क की तरह आपको काम करना है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आज हमसे बात की, आप जितना बोल सकते थे उतना आपने बोलने की कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोबारा आप महाराष्ट्र में आएंगे तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आइए साहिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आज तक, कल तक और आगे आने बहुत कल तक चला चलता रहे, यही मेरी शुभकामना।